To your favorite technology show, Mobiles and Gadgets. I am Shruti Sharma and with me is Dinesh Sharma. I am happy today. Why? Because Xiaomi ka phone MI5 finally India mein launch ho gaya hai. Shruti, not just this, in fact, is hafte kaafi saal se launch. That reminds me, tum bike chalate ho? Yeah, sometimes. Aur phone aata hai to fir kya karte ho? Kuch nahi, side mein bike lagata hai and then I receive a call. Then I have this phone, the special phone for all you bikers out there. This and lots more. Take a look. Xiaomi ने भारतीय मार्केट में MI5 के नाम से अपना नया स्मार्टफोन लॉन्च किया है। क्या-क्या हैं इसके फीचर्स? चलिए जानते हैं। And we have an exclusive preview of Xiaomi's MI5 today. जी हाँ, MI5 भारत में ऑफिशियली लॉन्च हो गया है और ये फोन मेरे पास है। आप देख सकते हैं इसका डिजाइन काफी खास है। If you look at the phone, it's very light, काफी हल्का फोन है। 129 grams का ही है और 7.2 mm इसकी thickness है। इसके एजेस काफी सॉफ्ट और स्मूथ दिए गए हैं। इस यूएसपी ही इस एमआई फोन की इसका डिजाइन है। ये 3GB रैम के साथ आ रहा है और 32GB फ्लैश मेमोरी है इसकी। और आपको बताने कि इसमें जो स्नैपड्रैगन प्रोसेसर लगा है वो भी काफी उम्दा है, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 820, विच इज वन ऑफ द फास्टेस्ट प्रोसेसर टिल नाउ। 5.15 इंच HD डिस्प्ले है फोन का और इसमें नेटवर्क एंड NFC भी है। फ्रंट फिंगर प्रिंट सेंसर दिया गया है, ये जो बटन है बेसिकली फिंगर प्रिंट सेंसर। कैमरा आप देख सकते हैं 16 मेगापिक्सल का कैमरा है, अमेजिंग 4 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा। पिक्चर्स हम आपको इसका रिजल्ट दिखाएंगे। और बात अब कीमत की, वेल द प्राइस फॉर दिस फोन इज 24,999, जो कि आप 6 अप्रैल से बुक कर सकते हैं MI.com पर। सैमसंग ने एस बाइक मोड फीचर के साथ J3 मोबाइल लॉन्च किया। टू व्हीलर ड्राइवर्स के लिए बनाए गए इस फीचर की खासियत ये है कि वाहन चलाते समय इस फीचर के इस्तेमाल से आप राइड के दौरान अनचाहे मोबाइल कॉल से बच सकेंगे। एस बाइक मोड फीचर इस्तेमाल करने का तरीका बेहद आसान है। आपको मोबाइल के साथ एक स्टिकर मिलेगा। बाइक चलाने से पहले आपको स्टिकर के साथ मोबाइल को एक बार टच कराकर इस फीचर को एक्टिवेट करना है, जिसके बाद आपको कोई कॉलर अगर फोन करेगा तो उसे ऑटो जनरेटेड मैसेज सुनाई देगा कि जिस शख्स को आप फोन कर रहे हैं वो इस वक्त बाइक चला रहा है। अगर फिर भी इमरजेंसी में कॉल करना ही चाहते हैं तो एक बटन दबाकर कॉल पूरी कर सकते हैं। फिलहाल ये फोन इस फीचर के साथ सिर्फ स्नैपडील पर ही मिलेगा और इसकी कीमत है 8,990 रुपए। लावा फोन्स ने KKT अल्ट्रा प्लस यूनियन के नाम से लॉन्च किया भारत का पहला डुअल सिम फीचर फोन। इस फीचर फोन से आप 22 अलग भाषाओं में टाइप कर सकते हैं। फोन में 2.4 इंच की डिस्प्ले दी गई है और 32 MB की इंटरनल मेमोरी दी गई है, जिसे आप 32 GB तक एक्सपैंड कर सकते हैं। फोन की 1750 mAh की बैटरी है, जो कि इसे लगभग 18 घंटे का टॉक टाइम देती है और इसे आप कन्वेंशनल पिन या USB केबल के द्वारा चार्ज कर सकते हैं। फोन की सबसे बड़ी खासियत इसकी कीमत 1500 रुपए है। लावा KKT अल्ट्रा प्लस यूनियन ब्लैक और ग्रे दो कलर्स में अवेलेबल है। डॉल्बी ने रिसेंटली अपने डॉल्बी विजन टेक्नोलॉजी भारत में लॉन्च कर दी है। डॉल्बी ने अपनी टेक्नोलॉजी LG के साथ मिलकर LG के OLED TVs के साथ लॉन्च करी। दरअसल डॉल्बी विजन डॉल्बी की वो टेक्नोलॉजी है जिसे व्यूअर्स को हाई डायनामिक रेंज वीडियोस देखने का मौका मिलता है, जिस पर डॉल्बी पिछले 7 साल से काम कर रहा था। इस टेक्नोलॉजी की मदद से आप हर एक वीडियो में आप बेहतर ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट और कलर देख पाते हैं, और अगर डॉल्बी की माने तो ये HDR10 से भी बेहतर क्वालिटी अपने व्यूवर्स को देता है। डॉल्बी विजन टेक्नोलॉजी सबसे पहले 2014 में इंट्रोड्यूस की गई थी, जिसे काफी सारे हॉलीवुड स्टूडियोज ने इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर लिया था, और इसके साथ ही कंपनी नेटफ्लिक्स, अमेजोन वीडियोज एंड वूडू के साथ टाई अप कर लिया है, जिससे डॉल्बी विजन हर घर तक पहुँच जाएगी। LG अपने OLED TVs को डॉल्बी विजन टेक्नोलॉजी के साथ मई एंड से भारत में बेचना शुरू करेगा, जिसमें इसकी प्राइस रेंज होगी 1.25 लाख से 15 लाख रुपीस तक। Really excited to be launching today the first Dolby Vision TVs in India. Dolby Vision is a technology that's all about high dynamic range, or HDR, and it's the most adopted and most successful HDR technology around the world today. I think if you have a chance to see some of these televisions, you'll see some amazing brightness, some very, very deep and captivating colors, as well as contrast that you aren't able to see
in conventional TVs today. Smartron ek made in India brand hai jisne announce kiya hai ek naya smart book. Smart things for life ke tagline ke saath internet mein aane wale kamaal ke breakthrough ka daawa karte hue Smartron ne apne smart book ko 12.12 inch screen ke saath market mein utara hai. Ye 2-in-1 T-book Windows 10 par operate hota hai which is powered by Intel Core M processors. Bharatiya market mein is T-book ki keemat hai 39,999 jo ki mid April se market mein uplabdh hoga. Dinesh, agar tumhe apne surroundings ka pura view lena ho to kya karoge? Kuch nahi, I'll just take a round turn. It's okay. Oh, yeah. Stay. As expected, have a better option. Take a look. हम सभी को कैमरास का शौक रहा है और हो भी क्यों ना, हम इससे अपनी लाइफ के बेहतरीन लम्हे कैप्चर जो कर पाते हैं और वक्त के साथ कैमरास और टेक्नोलॉजी ने भी काफी इवॉल्व किया. भले ही वो पॉइंट एंड शूट कैमरास हो, स्मार्टफोन कैमरास हो या फिर DSLR कैमरा, इन सभी से हमें अपनी लाइफ की बेस्ट मोमेंट कैप्चर करने का मौका मिला है. और अब टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाते हुए रिको लेके आया है अपना 360 डिग्री कैमरा रिको थेटा एस, जो ना सिर्फ आपके लिए पिक्चर और वीडियोस कैप्चर करता है बल्कि आप इससे अपने चारों तरफ यानी 360 डिग्री पे देख सकते हैं. थेटा एस देखने में काफी कॉम्पैक्ट और स्टर्डी लगता है. 125 ग्राम वेट इसे इजी टू पॉकेट जरूर बनाता है. इसे बनाया गया है स्टर्डी प्लास्टिक से विद रबराइज्ड कोटिंग जो इसे इजी टू ग्रिप तो बनाता ही है, साथ में इससे डिफरेंट एटमॉस्फेयर में रेजिस्टेंस भी प्रोवाइड कराता है. इसके फ्रंट पर नजर डालें तो इसके ठीक सेंटर में दिया है लार्ज शटर रिलीज बटन जिससे आप पिक्चर और वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं. वहीं इसके नीचे दी है LEDs जो पावर, वाईफाई एंड शूटिंग मोड ऑन होने पर ही जलती हैं. इसके राइट साइड पर दिए हैं पावर, वाईफाई, स्टिल्स एंड वीडियो बटन, तो वहीं इसके टॉप पर दिया है माइक्रोफोन. और अगर इसके बॉटम पर नजर डालें तो इसमें दिया है माइक्रो USB पोर्ट फॉर चार्जिंग एंड ट्रांसफरिंग डेटा, एक ट्राइपोड माउंट और मिनी HDMI कनेक्टर जिसे आप लाइव स्ट्रीम भी कर सकते हैं. थेटा एस में दिए हैं 2 12 मेगापिक्सल CMOS कैमरास जिसमें दिए हैं 2 fisheye lenses विच गिव्स 180 डिग्री व्यू ईच, जो डेटा को स्ट्रेच करके आपको 360 डिग्री इमेज और वीडियोस प्रोवाइड कराता है. ये कैमरा सपोर्ट करता है 25 मिनट्स की कंटिन्यू शूटिंग एट 1080 पिक्सल एट 30 FPS. और इसमें दी है 8GB इंटरनल स्टोरेज, बट सैडली आप इसकी स्टोरेज एक्सपैंड नहीं कर सकते. थेटा एस को यूज करना भी काफी आसान है. आपको बस अपने फोन में थेटा एस ऐप डाउनलोड करनी है और बस आप थेटा से अपने पिक्चर और वीडियोस अपने स्मार्टफोन में ट्रांसफर कर सकते हैं. इसके साथ ही आप अपने स्मार्टफोन को थेटा एस व्यू फाइंडर बनाकर शूट भी कर सकते हैं. ये एप्लीकेशन एंड्रॉइड और iOS दोनों से कंपैटिबल है एंड इट गिव्स यू मैनुअल कंट्रोल्स फॉर शटर स्पीड, वाइट बैलेंस एंड एक्सपोजर लेवल एक्सेट्रा. अगर इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो इससे ली गई पिक्चर्स आर ऑन पार बिल्कुल वैसे जैसे एक पॉइंट एंड शूट से आती है. ब्राइट लाइट में इमेजेस काफी क्लियर आती हैं, लेकिन लो लाइट या इंडोर में शायद आपको इमेजेस थोड़ी ग्रेनी मिले. लेकिन वीडियो क्वालिटी की बात करें तो इट्स नॉट वेरी गुड. ऑल्दो कंपनी क्लेम्स दैट इट कैप्चर्स 1080p फुटेज एट 30 FPS, लेकिन जब हमने इससे रिकॉर्ड किया तो ऑनेस्टली द वीडियो क्वालिटी वॉज मोर लाइक शूटिंग फ्रॉम अ VGA कैमरा.